खबर जबलपुर से है, जहां दिन दहाड़े लूट से शहर में हड़कंप मच गया है। घटना गोरखपुर अमखेरा की है, जहां मोबाइल व्यापारी मोबाइल एक्सेसरीज के लिए करीब 24 लाख इकट्ठा करके बाइक से अपने घर मदन महल जा रहा था। तभी एक्टिवा में सवार दो युवक अमखेरा गोहलपुर में व्यापारी के पास रखे 24,20,000 रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। घटना की सूचना पाते ही मौके पर SP सिद्धार्थ बहुगुड़ा भी पहुँच गए हैं। आरोपियों को पकड़ने शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। वहीं आरोपी CCTV फुटेज में कैद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पनागर पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया है। व्यापारी राजकुमार तिवारी निवासी मदन महल के मुताबिक जयंती कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों के लिए काम करता है, जो मोबाइल के पार्ट्स एक्सेसरीज खरीद कर जबलपुर के मोबाइल दुकान में सौंपता है। जिनसे पैसे इकट्ठा कर अपनी बाइक से घर की ओर जा रहा था। व्यापारी की तैयारी शाम 7:30 बजे की ट्रेन से दिल्ली जाने की थी। इसी बीच मालगुजार परिसर अमखेरा गोहलपुर में नीले रंग की एक्टिवा से दो युवक आए और पेट्रोल की टंकी में रखे करीब 24 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। करीब 24 लाख की रकम लेकर फरार हुए आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पनागर की पुलिस ने पनागर बस स्टैंड कमानिया गेट के पास दोनों आरोपियों को बिना नंबर की नीली एक्सेस के साथ दबोच लिया है। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी रेकी किया करते थे। आरोपी व्यापारियों की जान पहचान के हो सकते हैं, जिसका पर्दाफाश जल्द ही किया जाएगा। राजकुमार तिवारी जी हैं, वो मोटरसाइकिल से पैसा कलेक्ट करके अपने मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। एक बैग था उसका, जो उन्होंने अपने समक्ष आगे जो फ्यूल की टंकी होती है उसके ऊपर रखा था, वो ले जा रहे थे। उनके अनुसार एक टू व्हीलर में एक दो अज्ञात लड़के आए और उनसे वो बैग छीनते हुए वो आगे चले गए। जैसा कि बता रहे हैं, उसमें करीबन 24 लाख करीब ये बता रहे हैं।